दिसंबर के प्रोग्राम लेके हाजिर हैं जी। दिसंबर का ठंडा 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 महीना आ गया है और दिसंबर के महीने आते ही जहन में आता है बस बर्फबारी। जी बिल्कुल, वैंकूवर में इस दफा नवंबर में ही बर्फ पड़ गई थी और दिसंबर जो है वो शुरू हो गया है। और वैसे तो दिसंबर बड़ा ठंडा सर्द महीना है, लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनके लिहाज से खासा गर्म है, क्योंकि बड़ी यहाँ पर हैपनिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट। क्योंकि दिसंबर में देखें, एक तो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को, तो क्रिसमस के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। हर दूसरे दिन आप देखें क्रिसमस पार्टीज जो हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा एक और खास बात ये है कि 25 दिसंबर जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बानी पाकिस्तान हैं उनकी जो है वो विलादत की तारीख है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरह से जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, क्रिसमस के हो रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी एक बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे। नाज़रीन, हम आपको उसकी झलकियाँ भी दिखाएंगे और फिर कायदे आज़म पे प्रोग्राम हो रहे हैं, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान PCA के नाम से पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन भी, वो भी कायदे आज़म पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम उनकी भी आपको झलकियाँ दिखाएंगे। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।
पाकिस्तान में आप हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर के मौसम में कहवा जो है और मूंगफली और चिलगोजे और उसके साथ साथ बादाम ड्राई फ्रूट का सीजन आ जाता है और उसके साथ साथ कुछ शायरी भी चलती है और कुछ लोग जो मौसम से महजूज होते हैं वहाँ, आप बताना चाहेंगे कि आपकी शायरी कुछ है ज़हन में आ रही है आज कुछ? वही देखिए, दिसंबर के हवाले से एक बड़ी मशहूर नज़्म है जो अर्श सिद्दीकी साहब एक शायर थे उनकी है, और मुझे याद है ये बहुत पहले की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम अपनी जो समर वेकेशन थी उसमें हम मरी गए थे अपनी फैमिली के साथ पूरे, तो वहाँ एक किताब की रुनमाई हो रही थी तो हम लोग सब वहाँ पे गए। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, मुझे इतना शायरी का नहीं पता था, शुरा का नहीं पता था, लेकिन मुझे ये याद है कि वहाँ अर्श सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी किताब की एक रुनमाई हो रही थी, फिर उन्होंने वहाँ अपनी एक नज़्म पढ़ी कि उसे कहना दिसंबर आ गया है, और वो नज़्म जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको एक जगह लिख लिया, और अब इतना अरसा गुजर गया है, इतना वक्त गुजर गया है, लेकिन ये नज़्म जो है वो आज भी मुझे अपने दिल के बहुत करीब महसूस होती है, बहुत मुझे पसंद है। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो चूंकि दिसंबर की इवेंट्स के हवाले से, तो मैं चाहती हूँ ये नज़्म पढ़ दूँ। बिल्कुल आप पढ़ दें, आपके ज़हन में बिल्कुल गड़ी हुई है जैसे ना, बिल्कुल नक्श है। तो ये है, उसे कहना दिसंबर आ गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है, दिसंबर के गुजरते ही बरस एक और माजी की गुफा में डूब जाएगा, उसे कहना दिसंबर लौट आएगा मगर जो खून जिस्मों में सो जाएगा वो ना जागेगा, उसे कहना हवाएं सर्द हैं, जिंदगी कोहरे की दीवारों पे लर्जा है, उसे कहना शगुफे टहनियों पे सो रहे हैं और उन पर बर्फ की चादर बिछी है, उसे कहना अगर सूरज न निकलेगा तो बर्फ कैसे पिघलेगी, उसे कहना लौट आए। बड़ी उम्दा नज्म है, कितनी अच्छी है, बड़ी है, सिंपल सी है, सॉफ्ट सी है, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। मुझे लग रहा है इसमें उम्मीद और आस की दोनों कैफियतें हैं कि अब दिसंबर में बर्फ तो पड़ती है लेकिन जब धूप निकलेगी तो बर्फ पिघल भी जाएगी, तो ये बहुत अच्छा एक माहौल क्रिएट हुआ है, तो हम स्प्रिंग का भी इंतजार करेंगे इसी तरह। स्प्रिंग अभी बहुत देर में है लेकिन हम फॉल में के बाद अब जब विंटर में है तो ज़रूर हमें विंटर को भी एंजॉय करना चाहिए, इस वेदर को भी एंजॉय करना चाहिए, और इसी के साथ देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। खुश जायका मिठाइयाँ खानी हो या निमको खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाइयों का लुत्फ उठाइए। मिठाइयाँ, निमको, चना पूरी, केटरिंग और बहुत कुछ, पाक पंजाब स्वीट्स 128 और 96 के कॉर्नर पर, पाक पंजाब स्वीट्स। इस वक्त कराची में एक चीज़ बहुत देखी, बहुत गलत देखी, जो कि ट्रैफिक और यहाँ पे जो गार्बेज कलेक्शन का निज़ाम है बिल्कुल अपसाइड डाउन हुआ हुआ है। आई डोंट नो कब ये जाके सही होगा। मेरी एक तजवीज़ है ट्रैफिक के निज़ाम के लिए, क्यों ना हम अपने प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को ट्रैफिक की तालीम दें और गार्बेज की कलेक्ट करने की और उसे सेफ डिस्पोज करने की तालीम दें, क्योंकि हमारा रोशनियों का शहर जो है अब गार्बेज डंप में तब्दील होता जा रहा है। आई डोंट नो यहाँ की गवर्नमेंट, जब सिविक गवर्नमेंट को तो अभी ये ज़राए हासिल हुए हैं कि वो मैनेज करें गार्बेज को, और ट्रैफिक भी कंट्रोल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लोगों की, तो अगर ये दो चीज़ें हमारी सही हो जाएँ और बाहर की बिल्डिंगों पे कंपलसरी बाहर की दीवारों पे पेंटिंग अगर सिटी
ये करवाना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में कराची की रौनकें और खुशियाँ और खूबसूरती वापस आ जाएगी। तो इसी के साथ दिल अपना पाकिस्तान के लिए इंतखाब अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। होपफुली यहाँ पे जो है हमारे अरबाब इक्तदार ये वीडियो देखें और उन्हें शायद उनकी आंखें खुल जाए, या फिर रोड के शहर के उन हिस्सों का दौरा खुद करें रात में, ताकि उन्हें पता चले कि शहर किस तरह गंदगी का ढेर बनता चला जा रहा है। तो इसी के साथ दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपसे खुदा हाफिज़ कहता है। अल्लाह हाफिज़। Everybody, this is your host Adil Jahangir. I'm at the Chicken World in Surrey, and I started my journey from Pakistan in Lahore and brought this special and unique recipe first time in Canada at your city, in your city. And basically we're serving 100 free meals on the Christmas day for those people that don't have roof on the top, no food on the table, and they live so close to us that we even forget sometimes to look at the others, that if they need our support. So the thought just came that I wanted to give back to the community and help live a better life for everybody. As everybody supported me, my community, the whole community supported me so much, we're looking forward to have more people in the future, more restaurant in the future, to feed these unfortunate people so we can serve the community more. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. It is a warm season of Christmas and we are celebrating. So yahan par Pakistani community aur Pakistani subcontinent se Indian community aap sab Christmas ko celebrate kar rahe hain. क्रिसमस की खुशियों में आप सबको हम मुबारकबाद देते हैं। दिल अपना पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी इस खुशियों में हमारा साथ दिया। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और ये बढ़ती बढ़ती आप सब तक पहुँचे। हमारी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। Keeping you entertained with jokes and games and all the fun stuff as we proceed towards the evening, and I hope you all have a wonderful evening tonight. Well, good evening, everyone. Woo! How many of you are in the Christmas spirit tonight? Oh, I'm so glad to hear that. We have a wonderful evening planned for you tonight. अब जब सलाम आएगा तो आपने कैसे सलाम करना है, ऐसे करके सलाम करना है, लेकिन कोशिश करना कि रिदम में सलाम करना है, ठीक है? आप पहले मुझे देख ले, आप चल सूरज तारे कर Thank you.
विच आया दैट मीन्स ग्रीट ईच अदर जब बनारस से देवियों को मुबारक हुई और ग्रीट ईच अदर एंड से मैरी क्रिसमस 1 2 3 4 1 2 3 देवियों को मुबारक एक दूजे को यीशु कर के आ Shabbat Shalom.
कहा